जो जैकेट है ना हमारी जैसी। अच्छी ठंडी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तिब्लिसी जॉर्जिया से कुतैसी जॉर्जिया आते आते काफी टाइम लग गया। जो भी आपने प्रीवियस क्लिप में देखा, जो गाय कभी भी आके बीच में रोड पे आ जा रही है, तो वो बिल्कुल सिमिलर ही है। आप इंडिया में गाड़ी चलाओ चाहे जॉर्जिया में गाड़ी चलाओ, जो फॉरेनर है उनको उनके हिसाब से व्लॉग्स में ये लिखा था कि जॉर्जिया में ड्राइविंग बड़ी डिफिकल्ट है। हमने कहा इंडिया से क्या ही डिफिकल्ट होगी। आप समझ में आए वो क्या बोलना चाह रहे थे? अभी जा रहे हैं हम, ये कोई कैनियन विजिटिंग सेंटर है। विल चेक कि व्हाट इज द प्रोसेस, कितना वॉक करना है, कैसे जाना है। सो वी पेड 17.35 फॉर वन टिकट, 34.50 फॉर टू टिकट। कुछ ड्राइवर थे जिन्होंने हमें बोला कि वो अपने कार से छोड़ेंगे, तो आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाई दे आर फॉलोइंग अस। पीछे जो गाड़ी आ रही थी हमें डराने के लिए, हमें लग रहा था हमें लूट लेंगे आके, वो ये आ रहे थे कि ये लोग सामने रोड देख के डर जाएंगे, गाड़ी नहीं टर्न कर पाएंगे। तो अभी रोड बिल्कुल स्टीप आपने देखी ना जैसी थी, हम तो आराम से आ गए, वो डर गए, पीछे रुक गए वो। कहाँ आए हम? कैनियन, जहाँ पे आप टिकट परचेज करते हो वहाँ से अगर बाई वॉक आओगे तो एक 7 किलोमीटर। आपके पास अगर कार है, और मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं जो आपको कार प्रोवाइड करेंगे, बट यू नीड टू बी वेरी श्योर कि वो प्राइस सही कह रहे हैं, बिकॉज वो एक घंटा बोलेंगे भाई, इट्स नॉट इवन 5 मिनट्स वहाँ से कार से। तो कार से जब आप यहाँ तक आ जाओगे, विच इज़ ट्रेल की जस्ट पहले एंट्री, वहाँ से इट्स 4 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर्स एटलीस्ट यू कैन सेव, बिकॉज टाइम टेकिंग भी बहुत है। This is so good. महेश, तुम्हारे लिए ड्रोन की सख्त जरूरत है यहाँ पे। यार ताइवान की एक जगह गए थे, उसमें ग्लास ब्रिज था, इसमें तो ग्लास ब्रिज भी नहीं है। ये तो इसी पे चल के जाना है, वो भी एंड तक। नीचे मत देखना बस, नीचे मत देखना, ऊपर ऐसे देखो। A few moments later, हम अभी भी चल रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अभी हमने काफी जद्दोजहद करने के बाद ये डिसाइड किया है कि हम पूरा आएंगे चाहे जितनी बारिश हो जाए, और हम फाइनली पहुंच गए। ए तेरी, देखा देखा हम लोग वहां थे जब फोटो खींची थी, अब यहाँ आए हैं। Dude, this is scary, यार। एक इम्पोर्टेंट सूचना है, जनहित में जा रही। जब भी आप कोई एक मंजिल पे जाते हैं तो आपको हमेशा वो मंजिल पूरी करनी चाहिए, बीच से घूमना नहीं चाहिए। उसका एक रीजन है, नो एंट्री एंड दैट्स एग्जिट। हमने बीच में डिसाइड किया कि अरे छोड़ो बहुत लंबा हो रहा है, यहीं से वापस चल देते हैं। एंट्री पे जाके रेंग रहे होते निकलने के लिए, क्योंकि वहां से एग्जिट अलाउड ही नहीं थी। ये तो हमारा दृढ़ निश्चय और संकल्प था, दृढ़ संकल्प, ये हमारा और जो भी था।
हम आ गए और पूरा कंप्लीट किया बारिश में। कोई संकल्प में था, फटी हुई थी, बारिश तेज हो रही थी, हमने सोचा वापस चल लेते हैं। और बहुत ज्यादा दर्द कर रहा, चढ़ते चढ़ते ऊपर बंद करना पड़ेगा, बहुत लंबी सीढ़ियां हैं। We finally reached the exit, और इसी के नीचे घुसने की बात बता रहा था अगर एंट्री की तरफ से जाते। यहाँ चाय कॉफी का तो प्रबंध करना ही चाहिए। So we are at Prometheus Cave. Heard lot about it. ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मैंने ही डिसाइड की थी। Because see अभी निकलते टाइम भी चेक था वेट, तो थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया है। तो इस चक्कर में हमने सोचा कि ये थोड़ा अच्छी सी ट्रिप लेते हैं जिसमें हम खूब चलेंगे। देख रहे हो बहुत ही चलवा रही है, लेके जा रही है। तो हम लोग अब केव में एंटर कर रहे हैं। कमिंग। देखो जिन जिन को आना है आ जाना, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। टिकट 17 for 1 person। और एक और चीज़, हमने जाते जाते एक जूस पिया था, उन अंकल ने हमारा काटा है, मुस्कुरा के काटा है, देखना अभी दिखाता हूँ मैं। गिमी गिमी आजा आजा जितन किसको। अच्छा इट्स दैट ओनली जितन चक्रवर्ती, आई टोल्ड यू या। इन्होंने हमारा काट दिया, एक जूस, एक जूस 900 रुपए का, एक जूस 1200 रुपए का पिलाए हैं हमें। यही यही बुढ़ो एक्सपीरियंस अच्छा था। नेचुरली फॉर्म्ड केव है एंड आई थिंक हमेशा पानी ड्रिप की वजह से फॉर्मेशंस होते हैं, बट इट्स नाइस एक्सपीरियंस। हाँ जैसे कि मेंशन किया था, बोट में जाने का मन था, बट बोट बिकॉज पानी का लेवल बहुत कम था इसलिए बोटिंग बंद है अभी। और पानी का लेवल कभी कभी आई थिंक हम 80 meter डीप पे थे जब खड़े थे नीचे, तो वो इतना पानी लेवल होता है कि वो 80 meter पूरा फुल हो जाता है वाटर। सो अभी एक हफ्ते पहले ही कम हुआ है एंड इतना कम हुआ है कि बोटिंग बंद हो गई। तो अभी हम बोटिंग मिस कर दी है, अब नेक्स्ट टाइम तो आई डोंट थिंक सो हम दोबारा इधर आएंगे, बट इफ़ यू गेट चांस यू कैन डेफिनेटली यू शुड डेफिनेटली टेक बोटिंग। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, डॉग्स आर लिटरली अलाउड एवरीवेयर, पीपल आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली एंड इवन डॉग्स आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली। मतलब हम अभी जहाँ भी घूमने गए हैं सब जगह 8-10 डॉग्स तो दिखते ही हैं। बेस्ट पार्ट, फाइन डाइन रेस्टोरेंट में भी आप देखोगे तो कोई मना नहीं करता उनको आने से। एक अभी आई थी जंप करते हुए, नीचे बैठी हुई है। नो उधर देना, उधर अंडरस्टैंड रशियन, हिंदी, इंग्लिश, एवरी लैंग्वेज। गाड़ी की हालत देख रहे हो, ऑफ रोडिंग एक्सपीडिशन। पर इस बार डर नहीं लगता, मेरे को भरोसा था आप निकाल लोगे आराम से। एंड आज हमारा कुछ ऐसी में एडवेंचरस चीज़ें हमने खूब की, आज का केव, अच्छा दिन, केव एक्सप्लोरेशन एंड कैनियन
दोनों चीज जो हमारे बिल्कुल कोटे से बाहर थी जो हम नहीं करते हैं वो हमने की। 7 किलोमीटर कैनियन ट्रेल ऑलमोस्ट एंड देन केव कितना 800 स्टेयर्स करेक्ट व्हिच वाज 80 मीटर डीप मतलब बिलो द ग्राउंड बेसिकली। आई प्रेफर मतलब आई थिंक कैनियन मतलब अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो कैनियन ज़रूर जाएं। इट्स अ गुड प्लेस एंड यू लाइक इट वहाँ पे मस्त बिल्कुल चलना खूब पड़ेगा। बी प्रिपेयर अच्छे शूज पहनना एंड अगर आप केव जा रहे हैं केव में जैकेट मत लेके जाना बहुत गर्मी हो जाती है नीचे। बच्चे पैदे होते हैं इतने गोरे गोरे पता नहीं एकदम बर्फ खा के रसगुल्ले दूध पी के पैदा करते हैं लोग यहाँ बच्चों को मतलब सफेदी की चमकार उजाला करेक्ट अच्छा खासा हम एंड करके जाने वाले थे बस जा ही रहे थे कि यहाँ के कुछ रईस बच्चों ने जो मर्सिडीज से घूमते रहते हैं बदतमीज हमारी गाड़ी ठोक दी। मर्सिडीज के बच्चे बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं है ना बट ये छोटी बातें का पैसा खर्च हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। That's what you're figuring it out. चलो करते हैं ये बोल्ट है यहाँ की टैक्सी हमारा ओला उबर की तरह 9:30 घड़ी नहीं दिख रही यहाँ से जाते तो 7 किलोमीटर टेक टू करूँगा जल्दी बताओ नहीं।